नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें, बस कटवा टोला मझौली दूधी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्टार 7 टीवी न्यूज के द्वारा लॉकिंग सिस्टम रोड निर्माण में गड़बड़ी को लेकर न्यूज चलाई गई थी, जिसका असर 4 दिन बाद दिखाई पड़ा है। पुलिस कमिश्नर सहित ADO, SDM, DM, लेखपाल, तहसीलदार व पूरी पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर मुख्य सड़क की जांच कर रही है। लेकिन एक समस्या यह भी आया है कि मीडिया कर्मी या ग्रामीणों को मौके पर जांच कर रहे अधिकारियों के समीप जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, जिससे ग्रामीणों व मीडिया कर्मियों के बीच तरह तरह की चर्चा उत्पन्न होने लगी है। वहीं ग्राम पंचायत मझौली में जाकर ग्रामीणों की समस्या को सुना, जिसमें ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम में जर्जर सड़क हो चुकी है, 15 से 20 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन ओवर हाइलिंग या रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि हमारे ग्राम में विद्यालयों का हाल बहुत बुरा है, छत से पानी टपकता है व बाउंड्री भी टूटी हुई है, विद्यालय के गेट की टूटी हुई है, अनेक प्रकार की विद्यालय संबंधित शिकायत की। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप रहा है कि हमारे ग्राम के कुछ लोग गरीब होकर सरकारी बंजर जमीन अपने नाम करा लेते हैं और फिर बड़े पैसे वालों के हाथ दान कर देते हैं। इस तरह की और भी अनेक समस्याओं से ग्रामीणों ने अवगत कराया। हमारे संवाददाता सुदर्शन मौर्य से बात करते हुए क्या बोले कमिश्नर जी, आइए देखते हैं पूरी खबर। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, सुदर्शन कुमार मौर्य की रिपोर्ट। मनरेगा के तहत रोड का या सड़क का डिमांड भी है और यहाँ से 2 रोड का डिमांड भी आ रहे हैं। इस तरह का डिफरेंट तरीके का डिमांड है और कुछ शिकायत भी है, और जो संबंधित अधिकारी को SDM को डायरेक्शन दिया, BDO वो यहाँ पर आएंगे मौके पर, और कुछ पट्टा का इश्यू है वो भी लेखपाल कानून को और हमारा पुलिस फोर्स भी यहाँ पर आएंगे, नहीं जाँच करेंगे, जो समस्या को समाधान होगा। इससे पूर्व वर्तमान में आपने साडा की बनी सड़क देखा है, उसको देखिए क्या नहीं, इसमें सड़क बना हुआ है, जैसे इसे 20 करोड़ का प्रोजेक्ट तो नहीं है, ये स्मॉल प्रोजेक्ट है। जो 2 PWD करते हैं, एक PWD 1 और PWD 2, दो प्रकरण का है, एक में तो काम लगभग पूरा हो गया, दूसरा में अभी इंटरलॉकिंग टाइल्स लगना है, और इसी में जो थोड़ी बहुत टेक्निकल इश्यूज है, जो लेवल ऑफ द रोड है वो स्मूथ होना चाहिए। फिर भी यहाँ जो पहाड़ का इलाका है, पहाड़ का इलाका में ऐसा ही रोड स्मूथ करना भी टेक्निकली बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। जो कितने भी कमियां होता है उसको नोट करते हुए उसको दूर करने की डायरेक्शन दिया गया। इसमें फिर वो सैंपल वगैरह भी हम लोग भेज के देखेंगे, इसमें सैंपल साइज क्या है और सैंपल का क्वालिटी कैसे है, पुनः एक बार चेक करेंगे। उसमें उसके तहत जो कितने भी कमियां हैं उसको दूर करने के लिए चांस तो करना पड़ता है, बिना चांस करते कैसे कैसे प्रथम दृष्टिया जो कमियां निकलते हैं उसमें विस्तृत चांस होगा ना। प्रथम दृष्टिया तो कोई डायरेक्शन तो नंबर, आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, देखने में ये या क्या अच्छी क्वालिटी बुरी क्वालिटी की नहीं पता नहीं करता हूँ, बट जनरल ऑब्जर्वेशन तो मैं नोट कर सकता हूँ। तो जनरल ऑब्जर्वेशन है क्वालिटी अच्छी हो, मगर जो प्रिवेलिंग सिचुएशन के भी फिजिकल टोपोग्राफी भी देखना जरूरी है। जहाँ पर आपको स्मूथ सरफेस होते हैं वहाँ पर क्वालिटी अच्छा मिले, जहाँ पर ऊपर नीचे है जमीन और वहाँ पर लेवलिंग करना और उसके बाद उसको टाइल्स में इंटरलॉकिंग टाइल्स रखने के बाद उसको कितने स्मूथनेस आएगा वो भी एक टेक्निकल चीज़ है, वो भी ध्यान में रखते हुए उसके देखना पड़ता है। बट इतना है तो यहाँ पर काम हुआ, इतने दूर में आकर देख रहा हूँ काम कम से कम हुआ नहीं हुआ, ऐसा नहीं बहुत सीरियस इश्यूज नहीं है, बट थोड़ी बहुत स्मॉल टेक्निकल एनी वर्क आप जाकर देखेंगे तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यूज आएगा, वो टेक्निकल इश्यूज को दूर करेंगे, दूर करके फिर उसके बाद आएगा। तो पंचायत भवन पर आए हुए हैं ग्रामीणों के बीच आप बैठे, कुछ समस्या ऐसा की आई जो ग्रामीण, देखिए जो डॉक्टर्स है आ रहे हैं, जो डॉक्टर का उपस्थित होते हैं भाई किस तरह का उपस्थित होते हैं, डॉक्टर कितने घंटे बैठते हैं, इसमें तरह तरह का होता है, और टीचर्स है, टीचर्स आ रहे हैं, टीचर्स एक टीचर से आ रहे हैं मतलब कितने घंटे आकर बैठते हैं, उसमें सुधार लेने का जरूरी है। देखिए इसी जिला में और अंदर जाकेंगे तो टीचर्स ही नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कई स्कूल में टीचर्स पोस्टिंग ही नहीं हुआ, सो ऐसी स्कूल का लगभग यहाँ सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स पोस्टिंग है, उसके लिए भी काफ़ी प्रयास करते हैं, मतलब बहुत डिस्टेंट
दूर एरिया में इलाका में जब भी महिला टीचर्स होते हैं, महिला कर्मचारी होते हैं, सुबह या शाम को आने जाने में तकलीफ, उसमें आने जाने के सुविधा भी देखना पड़ता है। सो बैकवर्ड एरिया में हमेशा ये चैलेंजेस होता रहता है, उस चैलेंजेस को हम लोग दूर करना चाहते हैं। जो लोग आते हैं रेगुलरली आते हैं उनके लिए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मतलब नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए हम लोग रेगुलरली एक चेकिंग मैकेनिज्म शुरू कर रहा हूँ मैं, उसमें उस तरह से जो डॉक्टर्स है या टीचर्स है रेगुलर, फॉर एग्जाम्पल आशा बहू देगा, आशा बहू आ रहे हैं और आंगनवाड़ी वर्कर मतलब बांट रहे हैं और राशन का वितरण, राशन का वितरण करते हैं मगर वो तो आज नहीं करते हैं, दो दिन के बाद करते हैं, मगर ये शिकायतें बिल्कुल नहीं बांट रहे हैं। मगर मैं तो ये बोला ठीक है यार, उसी दिन जहाँ किसी दिन वो अंगठा लगा रहे हैं, बायोमेट्रिक कर रहे हैं, उसी दिन बांटने के लिए कोशिश करें। सो कमियाँ है, वो कमियाँ तो थोड़ी बहुत कमियाँ तो होगा ही, उसमें जो कितने भी कमियाँ उसको दूर करने के लिए सबके लिए निर्देश। अभी ये कहा था सर राशन में कम तोलते हैं, कम तोलने की शिकायत नहीं आया मेरा सामने, पहले भी एक महीना पहले निकला। जो कोई भी कम तोड़ने के लिए मैसेज क्लियर है, संदेश यही है, कोटेदार नियम अनुसार कितने क्वांटिटी मात्रा में देना है उतना में, 100 ग्राम भी कम मत है। और मेरे पास जो कोर्ट में जो राशन कोटे का नष्ट होकर आते हैं उसमें गहरा से मैं देखता हूँ, गंभीरता रूप से कहाँ पर भी आते हैं उनको निरस्तीकरण करवाएगा, कई चीज में डीएम एफआईआर भी दर्ज करते हैं, बट छोटे मोटे समस्या होते हैं उसको हम लोग समझा बुझा कर उनसे काम लेते हैं। तो सिस्टम है, सिस्टम सुधार करने के लिए पूरी कोशिश होते हैं। मुझे इसी गांव में मतलब गंभीरता रूप से और कोई शिकायत मेरे सामने नहीं आया। विद्यालय की है सबसे बड़ी समस्या दिखाई देती है क्योंकि उसमें बाउंड्री टूटी हुई है। हाँ, उसके लिए मैंने बोला था जो बाउंड्री वाल टूटी है, एक बिल्डिंग के बारे में बताया गया, बिल्डिंग हम लोग टेक्निकल टीम भेजेंगे, वो जो बिल्डिंग क्या डेमोलिश करने लायक है, कितने साल पुराना है उसको देखेंगे, अगर नया बिल्डिंग बनना चाहिए फिर हम लोग चेकअप करेंगे, साड़ा में भी मैं चेकअप कर सकता हूँ या हमारा डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड से जो कोई या विभाग के फंड से हम लोग करेंगे। सर सड़क भी ग्रामीण क्षेत्र में ये मजहूरी जहाँ पे आए हैं सर, मतलब वार्ड वार्ड अगर जाएंगे सर ये रिपेयर संबंधित, मतलब आज लगभग 15 से 20 साल हो गया सर अभी ये रिपेयर का काम हुआ ही नहीं और सड़क की हालत सर एकदम जर्जर हो चुकी है, और जिधर से आप आए हैं और भी बाकी जो वार्ड है क्योंकि ग्राम सभा मजहूरी कोई देखिए मैं आपको जिधर जिधर जो पैसा काफी खर्च करके जो रोड बन रहे हैं, जो लोड होते हैं लोड के ऊपर भी हम लोग देखने की जरूरत है, अगर ट्रैक्टर चलते हैं ट्रैक्टर का वेट कितना होना चाहिए, ट्रैक्टर में एग्रीकल्चर पॉलिसी लेकर जाना चाहिए आज पर जरूर, अगर किसी ने ट्रैक्टर लिया लोन लिया इसके लिए दिया हुआ एग्रीकल्चर अधिकारी जो हमारे चैनल का जो न्यूज चलाया गया था इस रोड संबंधित में और जो लोलर संबंधित भी समस्या दिखाया गया था और बाकी और कई तरह की समस्या दिखाई गई थी, जिसमें आज हमारे क्षेत्र में सारे अधिकारी जो सोनभद्र के हैं कमिश्नर रैंक से लेके एसडीएम सारे अधिकारी मौके पर आए और आने के बाद मीडिया वाले को भी जांच जहां पे हो रही थी देखने से रोक दिया गया जाने पे, लेकिन अभी देखिए यहां जो जांच करके गए हैं ये देखिए गड्ढा है और ये गड्ढा है और इसमें लोलर का जो स्थिति है वो तो है ही है जो दिख रहा है, लेकिन इसमें मिट्टी ज़्यादा दिख रहा है, जो कोड़ के वो निकाले हैं मिट्टी ज़्यादा दिख रहा है, भस्सी कम लग रहा है और क्या क्या जांच करके गए अभी उनसे भी अगर। इस अंक में फिलहाल इतना ही, इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टार 70 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।